नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। सातवें चरण के लिए आज राज्य की 57 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मऊ जनपद के महमदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के बंदी कला ग्रामवासियों ने बताया कि इस बार केवल रोजगार महंगाई का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए हम सभी बदलाव चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता मऊ से प्रमोद विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। इस वक्त हम मऊ जनपद के महमदाबाद विधानसभा में आपको बताना चाहेंगे कि आज सातवां चरण है और यहाँ पर कड़ाके की धूप भी पड़ रही है। लोग मतदान करने के लिए घर से निकलने, आपको बताने की आप देख सकते हैं, राजीव तो दिखाएंगे, कंपोजिट विलाय बंदी कला में है और मेरे साथ कुछ युवा हैं जो मतदान करके आए हैं। जानना चाहेंगे किस मुद्दे पर उन्होंने मतदान किया है। भैया किस मुद्दे भैया करके आए? देश में महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पे है। आपने वोट करा है? हमने अभी वोट नहीं किया है लेकिन वोट कास्ट करने जा रहे हैं जी। किस मुद्दे पे करेंगे आप? बेरोजगारी, नौजवानों को भी रोजगार चाहिए। बेरोजगारी की का आलम आप देख सकते हैं पीछे हमारे, सही सब बेरोजगार है सर। सब कितनी उम्र है भैया आपकी? हमारी 26 साल है सर। आप डॉक्टर हैं मेरे ख्याल से, पेशेंस भैया बता रहे लोग जी? नहीं, हम वेटरनरी पशु डॉक्टर हैं, वेटरनरी में हैं जी। तो रोजगार तो कर ही रहे हैं भैया? अरे सर प्राइवेट है ना। अच्छा, प्राइवेट में जी। अभी कोई वो जैसे कोई अभी वो सरकार द्वारा कोई अभी मनोनीत नहीं है या कोई अभी किसी तरह का कोई वो नहीं आया कि जैसे अभी नामांकन हो जाए। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं जी, BSP से, SP से और BSC से जी। किसको आप पसंद करते हैं सर? यहाँ पर जो है परिवर्तन चाहते हैं जी। महंगाई, बेरोजगारी, युवा हैं, बेरोजगार हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी है भाई परिवर्तन, इंडिया गठबंधन को हम लोग ने मिलकर यह थामा है कि इंडिया को जिताना है, इंडिया को मजबूत करना है। अगर प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते थे अगर इंडिया गठबंधन जीतता है? राहुल गांधी को सर। राहुल गांधी बिल्कुल। तो अखिलेश यादव नहीं पसंद? नहीं, अखिलेश तो खुद ही जमीनी स्तर से वो चल रहे हैं लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी मेरे अपने हिसाब से राहुल गांधी बेस्ट। और कोई प्रत्याशी से निर्दलीय में बहुत लोग खड़े हुए हैं, उनको नहीं आप पसंद कर रहे क्या? अरे सर तो आने वाले बहुत हैं, बहुत से हैं भाई। निर्दल 88 यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं? 88 कैंडिडेट हैं, 28 जी। तो जिसमें सबसे बेहतर है इंडिया गठबंधन के मजबूत और सबसे बढ़िया और सबसे बेहतर जो है विधानसभा जो है। कौन है प्रत्याशी यहाँ से? यहाँ जो है राजू राय है। राजू राय जी। भैया आपने वोट करा भैया? जी हाँ। पहली बार है कि दूसरी बार? ये दूसरी बार है। दूसरी बार, कितनी उम्र हो गई? 20 साल। 20 साल हो गई। किस मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? वही बेरोजगारी के साथ। तो यार 20 साल आपकी उम्र, तो पढ़ रहे होंगे ना? तो पढ़ रहे हैं तब जी, तो बेरोजगारी कहाँ चलेगी? शिक्षा के लिए करेंगे ना। शिक्षा तो मिल ही रही है ना? मिल रही है तो जैसी चाहिए वैसी नहीं मिल रही। कैसी शिक्षा चाहते हैं आप सरकार से? हम यही सुविधा चाहते हैं। कैसी सुविधा बताएं कुछ? स्कूलों में परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन चाहते हैं आप? सुविधा की बात कर रहे हैं, सुविधा भी तो बताएं कुछ। मुद्दा ऐसा कि चलिए भैया नहीं बता पा रहे हैं। भैया किस मुद्दे वोट करेंगे आप? सर मुद्दा शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई को दूर करने के लिए। बहुत महंगाई हो गई है, देख ही रहे हैं जी, और आम जनता कहाँ से इतना व्यवस्था कर पाएगी। अच्छा, पारा आज का देखा गया 40 से ऊपर है, तब भी लोग यहाँ से ग्रामवासी काफी निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। सर वो परिवर्तन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे और अपने अपना भविष्य के लिए जो चयन करते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उसके लिए ये 40-45-50 रहेगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ एक चाचा है। चाचा क्या नाम है आपका? सौरभ। आप वोट किस मुद्दे पर करके आ रहे थे? महंगाई पे, बेरोजगारी पे। महंगाई पर, बेरोजगारी। किस सरकार को आप पसंद करते हैं? साइकिल को पसंद करते हैं। साइकिल पे वोट करेंगे? हाँ। अच्छा, जैसे साइकिल पे किस मुद्दे पे आपने जैसे करा होगा? महंगाई तो होगी आपका, बेरोजगारी। जैसे युवा बता रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। सही बात है, रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा? नहीं। आप नहीं देखे का बोला था कि ये सब भर्तियां हुई थी जी, अग्निवीर वाली सबका बोला था, इन लोग क्या किए जी? या पेपर लीक हो जाता है बच्चों का तो क्या करेंगे जी? तो यही सबके ऊपर का बोला था, वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर काफी लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ही वोट डालने की बात कर रहे हैं। सी न्यूज भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।